प्रदेश के जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने शहीद सुखदेव भगत सिंह राजगुरु का शहीदी दिवस मनाते हुए 4 किलोमीटर तिरंगा यात्रा निकाली, वंदे मातरम के नारे लगाए और छोटे छोटे बच्चों को राजगुरु भगत सिंह व सुखदेव का रूप देकर इस यात्रा में शामिल किया गया तो लोगों में देश के लिए प्रेम और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले ऐसे शहीदों को शहीद स्तंभ पर पहुंच श्रद्धांजलि दी और बताया कि हमारे युवा पीढ़ी देश पर अपने प्राण न्योछावर करने वाले देश के शहीदों को भूलती जा रही है तो कहीं ना कहीं इस यात्रा से युवाओं में देश प्रेम व शहीदों को याद दिलाना एक महत्वपूर्ण है ताकि हमारे नौजवान ये ना भूले कि हम आज जिस आज़ादी में सांस ले रहे हैं वो हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है, इसको पाने के लिए हमारे देश के ना जाने कितने लोग शहीद हुए हैं। तो हम देश के शहीदों को बार बार नमन करते हैं तो राष्ट्रीय सैनिक संस्था के उपाध्यक्ष ने शहीदों को नमन करने के साथ ही हापुड़ में शहीद स्तंभ के आसपास हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया और हापुड़ प्रशासन व नगर पालिका से मांग की कि शहीद स्तंभ के आसपास से अतिक्रमण हटाया जाए और शहीद स्तंभ को सौंदर्यीकरण भी कराया जाए। पेश है हापुड़ के संवाददाता अदनान हवारी की खास रिपोर्ट। मेरा नाम जी मुकेश त्यागी है, मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था जिला इकाई हापुड़ का जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज शहीद दिवस है, श्रद्धांजलि दी गई हापुड़ के लोगों द्वारा, आपके द्वारा कैसे देखते हैं आज जी? कैसा है जी, हमने जो है अमर शहीद शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव को राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि अपनी तरफ से अर्पित की है और हम हमेशा ये चाहते हैं कि इससे भी अच्छी तरह से शहर के सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हों इन स्वतंत्रता शहीद आजम के लिए, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्रता के जीवन जी रहे हैं। और दूसरी बात, राष्ट्रीय सैनिक संस्था, और मैं ये विशेष रूप से मांग करता हूँ कि यहाँ पर जो शहीद स्तंभ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है और प्रशासन द्वारा यहाँ कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारों को समाप्त किया जावे और प्रशासन द्वारा, हापुड़ द्वारा, नगर पालिका द्वारा, हापुड़ प्रशासन द्वारा यहाँ सौंदर्यीकरण किया जावे शहीद स्तंभ का। और हम इस आज़ादी को जिस तरीके से हमने ढूंढा है या हमने पाया है उस आज़ादी का लोगों ने भूल चुके हैं। हम इस जुलूस अपना मार्च को निकालने के लिए हमने बच्चों में जोश भरने के लिए मार्च निकालते हैं। हम 23 मार्च बच्चों को याद रहे जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उन लोगों ने कुर्बानियां देकर देश को हमारे आज़ाद किया, लेकिन ये लोग भूल चुके हैं और आने वाली पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं कि भारत माता की जय।